नमस्कार, मैं परंजॉय गुहा ठाकुर था और आप सबको मैं न्यूज क्लिक में स्वागत कर रहा हूं। आज की चर्चा का विषय है ये जो हमारे देश का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लाखों किसान अलग अलग राज्य से, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान से, जो आज विरोध कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि सरकार अभी भी तैयार नहीं है। वो तीन जो नया कानून लाए हैं, इन तीनों कानून को रद्द करने के लिए, इस विषय के ऊपर। और ये जो तीन कानून लाए हैं, ये सचमुच हमारे देश के किसान के हित में है या नहीं है, इस विषय के ऊपर मेरे साथ आज जोड़ रहे हैं अध्यापक विश्वजीत धर। विश्वजीत धर जी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में अर्थनीति पढ़ाते हैं, इससे पहले इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड में जो सेंटर फॉर WTO स्टडीज, जो विश्व व्यापार संस्था है, इसी विषय के ऊपर उनका वो विशेषज्ञ है। तो विश्वजीत जी, धन्यवाद आपने न्यूज क्लिक का दर्शक का आपका समय दिया। और मैं पढ़ रहा हूँ आपका लेख जो वायर में आया है। वार में ये आपने साफ लिखा है कि सरकार कह रहे कि ये जो नया कानून आ रहा है, ये किसान के हित में है, क्योंकि एक खुले बाजार में, फ्री मार्केट में वो नेगोशिएट कर पाएंगे और इनके फायदा होगा। और आपका कहना है कि जो खाद्यान्न के जो चीजें हैं, चावल, गेहूं, अलग अलग जो चीजें हैं, जो फल कहिए, सब्जी कहिए, हमारे देश में और विश्व में सचमुच फ्री मार्केट यानी खुले बाजार नहीं है। ये बाजार एक तरह से सरकार नियंत्रण करते हैं, और अगर सरकार नियंत्रण नहीं करते हैं, ये बाजार के ऊपर कब्जा कर देते हैं बड़े बड़े कॉरपोरेट संस्थाएं, बड़े बड़े संस्थाएं जो एक तरह से जो मोनोपोली है। और मोनोपोली के और एक पहलू है, मोनोपोली बहुत कम लोग है खरीदने के लिए। हमने भी देखा है हमारे देश में पेप्सिको, ITC, अंबानी यानी कि रिलायंस, अडानी, ये बड़े बड़े संस्था है। तो आप जरा सरल भाषा में समझा दीजिए क्यों पूरा विश्व में जो विकसित देश है, विकासशील देश है, सचमुच खुले बाजार नहीं है हमारे देश के किसान जो उत्पादन करते हैं, जो हमारे भूमि से उत्पादन होते हैं। धन्यवाद परंजॉय जी, आपने मुझे ये मौका दिया न्यूज क्लिक में आके अपना विचार व्यक्त करने का। तो पहली बात जो मैं कहना चाहता हूं, और जो बात आपने रखी मेरे लेख के संदर्भ में, कि मेरा ये मानना है कि जो खुला बाजार है, जिसको हम परफेक्ट मार्केट बोलते हैं, फ्री मार्केट बोलते हैं, वो कभी कहीं पे उपलब्ध नहीं है, विशेषकर कृषि के क्षेत्र में। कृषि के क्षेत्र में हम बहुत सालों से ये कह रहे हैं कि अगर हमारा देश अपने जो खोल दिया जाए इन संस्थाओं के लिए, हम अभी भी हमारे देश में जो प्रोटेक्शन है, जो हम वो इम्पोर्ट ड्यूटी लगाते हैं कृषि उत्पादन पर, वो काफी ऊंचा है। और अमेरिका जैसे जैसे देश, वो यहाँ पर व्यापार करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम अपने बाजार को पूरी तरह से खोल दें, ताकि विश्व के जो बड़े बड़े संस्थान है, आपने कहा कि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है, बहुजातिक संस्थाएं हैं, वो आके यहाँ पर बिजनेस कर सके। तो हमारा ये कहना था हमेशा से कि ये जो बड़े संस्थाएं हैं, ये आके हमारे बाजार को और हमारे छोटे किसानों को बहुत बुरी तरह से नुकसान करेंगे, क्योंकि बाजार जो है वो पूरी तरह से उनके नियंत्रण में है। और दर्शकों को मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप चारों ओर देखें और ये सोच थोड़ा नजर दौड़ाएं कि किस क्षेत्र में, किस मार्केट में फ्री मार्केट अभी उपलब्ध है, कहीं भी आप देखें, उसमें देखेंगे आप दो तीन कंपनियां हैं, वो जो है
जो बेच रही हैं या 6-7 हो सकती हैं, और उन्हीं उन्हा का दबदबा चलता है। चाहे आप एयरलाइन टिकट खरीदने जाएं तो देखेंगे जो जो दाम है वो बिल्कुल एक जैसा है, किसी भी कंपनी का दाम ले लीजिए। दवाई खरीदने जाए तो देखिए दवाइयों के दाम बढ़ रहे हैं, कुछ ही कंपनियां हैं वो कर रहे हैं। तो हर एक जगह ये एक समस्या हमारे लिए, हमारे उपभोक्ता के लिए, और यार यहाँ पर हम जो कह रहे हैं कि किसानों के लिए, जो किसान बेचने जाएंगे तो कुछ ही कंपनियां होंगी जो माल को खरीद पाएंगे, और उनके साथ और बड़े संस्थाओं के साथ छोटे किसानों का जो है बराबरी का संबंध कभी हो नहीं सकता है। छोटे और बड़े में कभी भी बराबरी नहीं हो सकता है। ये बहुत पुरानी एक इंटरनेशनल रिलेशंस का हमारे कुछ बहुत राजनीतिज्ञों ने कहा है यूएन में जाके भी कि बड़े देश और छोटे देश में ऐसे संबंध ऐसे नहीं हो सकता है, जो सब लेवल प्लेइंग फील्ड कहते हैं। और उसी संदर्भ में मैंने कहा कि बड़ा और छोटा एक साथ कभी भी वो जो तालमेल बना के नहीं चल सकता है। बड़ा जो है वो छोटे को हमेशा से उसका शोषण करेगा। विश्वजीत जी, मैं आपको रोक रहा हूं क्योंकि सरकार और कुछ कह रहे हैं। सरकार का जो कानून लाए हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट है, इसमें कहा, ये वादा किया, देयर विल बी अ नेशनल फ्रेमवर्क दैट प्रोटेक्ट्स एंड एम्पावर्स farmers to engage with agribusiness firms, processors, wholesalers, exporters or large retailers for farm services and sale of farming produce at a mutually agreed remunerative price framework in a fair and transparent manner. यानी कि एक राष्ट्रीय ढांचा होगा जो हमारे देश के कृषक है, जो किसान है, उनको सुरक्षित मिलेगा, उनको शक्ति मिलेगा, सशक्तिकरण करेंगे। और ये जो बड़े बड़े कंपनी है, जो बड़े बड़े ठेकेदार है, जो थोक मूल्य में बेचते हैं, जो होलसेलर है, जो जो विदेश में जो हमारे देश की चीज जो निर्यात करते हैं, इनको इनके साथ वो एक तरह से बार्गेनिंग करेगा और एक तरह से एकदम संतुलन रहेगा, पारदर्शिता रहेगा, और इसमें इट विल बी डन इन ए फेयर मैनर, उनको न्याय मिलेगा। और यही बोल रहे हैं कि आज किसान को एक मुक्त बाजार मिलेगा, फ्रीडम ऑफ चॉइस, वो किसको बेचने चाहते हैं, नहीं बेचने चाहते, वो स्वाधीनता मिलेगा। और बार बार यही कह रहे, और सरकार बोला हम कानून में संशोधन लाने के लिए भी तैयार है। और आप किस तरह से, जैसे एक तरह से बहुत एक विवादित विषय हो गया था कि आप कहां पे, अगर कोई विवाद हो जाता है कौन देखेगा, तो अब सरकार मान लिया कि ये डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट यानी कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नहीं देखेंगे, जैसे हमारे देश के अदालत है जो न्यायपालिक है, वही ये अगर कोई विवाद होगा तो उसका समाधान के लिए किसान लोग अदालत में जा सकते हैं। तो आप क्यों नाखुश है, सरकार जो कह रहे आप बिल्कुल विपरीत बात क्यों कर रहे हैं? नहीं, मेरा मैंने पहले भी कहा कि छोटे और बड़े में समानता का संबंध नहीं हो सकता है। ये तो तय है, हर एक जगह पे हमने देखा है। विश्व व्यापार संगठन में जब वहां जाके, और मैंने भी भारत सरकार की तरफ से मैंने नेगोशिएट किया है, मैंने भी पार्टिसिपेट किया है, वहां पर हमने हमेशा से कहा है कि हम जैसे छोटे देशों को कुछ सहायता चाहिए, जिसको हम स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट कहते हैं, कि जो कानून बड़े देशों के लिए लागू है वो हमारे लिए लागू नहीं होने चाहिए। हमने कहा कि एक तरह से डिफरेंशिएशन और तरह से एक जिसको पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं, कि एक सकारात्मक तरीके से हम डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, वो जरूरी है। तो हमारा तो ये पोजीशन रहा है हमेशा कि बड़ा और छोटा में नहीं हो सकता है। और मैं वहीं से शुरू किया, मेरा जो शुरुआती बिंदु है वही है कि एक छोटा किसान है और भारत सरकार ने WTO को बताया है कि हमारे देश में जितने किसान हैं उसके 99.43% किसान जो है वो छोटे किसान है, वो स्मॉल फार्मर्स है। उसको जो WTO के एक लैंग्वेज है उसमें
लो इनकम और रिसोर्स पुअर फार्मर्स, मतलब इनका इनकी बिल्कुल शक्ति नहीं है किसी तरह से बाजार में उसको पार्टिसिपेट करने के लिए, तो मैंने वहां से शुरू किया। और फिर मैंने कहा कि जब आप बाजार खोल देंगे छोटे और बड़े के बीच में, जब ये तालमेल नहीं बैठेगी और छोटा जो है उसको कठिनाई होगी, तो मैंने एक प्रश्न रखा है कि आपने इस कानून में क्या क्या उसमें आपने प्रोविजन डाले हैं, क्या क्या नियम डाले हैं, जिससे मुझे लगे कि नहीं छोटे को बड़े के साथ वो करने में जो डील करने में कुछ सहूलतें मिलेंगी। हाँ, जिसको क्योंकि सरकार ने इसके टाइटल में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट के टाइटल में लिखा है एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन, जो जो ब्रैकेट में आता है। तो मैंने यही पूछा है कि आप ये मुझे समझा दीजिए कि उनको सुरक्षा भी मिलेगा, सशक्तिकरण भी मिलेगा, यही सरकार बिल्कुल। तो मुझे वही मैंने यही उनसे पूछा है कि मुझे समझा दीजिए कि सशक्तिकरण के लिए आपने क्या डाला है और उनको उनकी सुरक्षा के लिए आपने क्या डाला है। अगर बड़े कंपनियां आके इनसे ज्यादा चूस ले, उनका खुद ज्यादा चूस ले, तो आप किस तरह से उनको मदद देंगे और क्या प्रावधान होंगे आपके कानून में जिसके जिसके तरह जिसके लिए वो उनकी सशक्तिकरण होगी। अच्छा विश्वजीत जी, मैं एक और विषय के ऊपर आपसे बातचीत करना चाहता हूँ, आपने इस विषय के ऊपर भी लिखा है, ये है जो स्टैंडर्ड्स, आलू कितना बड़ा होना चाहिए, कितना छोटा होना चाहिए। आप जब ठेका लेंगे एक बड़े से पेप्सी के साथ, वो चिप्स बनाएंगे आपका आलू लेके, तो यहाँ पे सरकार लिखा है जे ये जो स्टैंडर्ड होना चाहिए, तो ये कैन बी फॉर्मुलेटेड बाय एनी एजेंसी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और एनी एजेंसी ऑथराइज्ड बाय सच गवर्नमेंट फॉर दिस पर्पस, यानी कि केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार या कोई भी जो एकदम जो 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 एक तरह से ये केंद्र सरकार या राज्य सरकार बताएंगे ये कम। तो इसमें क्या ये जो आप कह रहे हैं ये निजी कंपनी का अलग अलग स्टैंडर्ड रहेगा, तो आपका मतलब है आलू इतना बड़ा नहीं होगा, इतना छोटा होगा तो आप हम आपसे नहीं खरीद लेंगे। तो आप क्यों इसके ऊपर आपका आशंका क्यों है, आप क्यों समझते हैं और आपका सोच क्यों है कि ये हमारे देश के कृषक के लिए अच्छा नहीं है? क्योंकि आज नहीं, बहुत साल से ये ठेका चल रहा है और पेप्सी आज नहीं टमाटर खरीद रहे केचप बनाने के लिए, चिप्स बनाने के लिए, इसमें नया क्या है? और आप क्यों ये जो नया कानून जो सरकार ला रहे है, जो कह रहे कि किसान के हित में है, आप क्यों इनका विरोध कर रहे हैं? दो चीजें मैं बहूंगा यहाँ पर। पहली बात तो ये है जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक ये पूरी तरह से देश में फैला नहीं था, कुछ कुछ जगह पे था, जैसे आपने कहा पेप्सी इसमें पंजाब में था, कुछ और जगह पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होता है, पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं वो एक्सेप्शन था, वो पूरी तरह से फैला नहीं था। पर इस कानून के द्वारा सरकार जो है वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को ही भारतीय कृषि का मॉडल बनाना चाहती है और 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 ये कहना चाहती है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से अच्छा कुछ हो नहीं सकता है, इसी से किसान का जो है भला होगा कि कृषि जो सरकार ने एक 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 जो उनका जो नीति घोषणा की थी कुछ साल पहले कि कृषि किसानों का आय दुगना होना चाहिए और दुगना करने का यही उन्होंने तरीका सोचा है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सब ठेके में दे दिया जाए, किसान जो है वो किसी के और के ठेके पे काम करेगा ना कि अपने मर्जी से काम करेगा। मतलब किसान अगर आज चाहे कि आलू ना बो के वो कुछ और बोना चाहता है तो वो सुविधा उसके लिए होगा नहीं, क्योंकि उसको कोई कंपनी बता देगी। दूसरी बार एक आपने स्टैंडर्ड की बात कही, मैं उसको संक्षिप्त में बोल देता हूं, तो जो खरीदने आएगा जो कॉन्ट्रैक्ट देगा, और हमने कई जगह पे देखा है और ये होता है विश्व में सब जगह होता है, हमारे जो निर्यात करते हैं वो भी अमेरिका यूरोप में ये इनको ये समस्या होती है कि ये जो कंपनियां जो उनके यहाँ से आयात करती है वो बता देती है कि इतना बड़ा आलू होगा, उसमें कीटनाशक का प्रतिशत कितना होगा, वो अपने तरह से बोल देते हैं
और उससे हमारे निर्यातों को बहुत नुकसान हुआ है और ये डॉक्यूमेंटेड भी है। हम वहां वो दूसरे देशों में हमने इतना इतना जितना मार्केट मिलना था हमें, जितना हमारा निर्यात होना था उतना हुआ नहीं है। तो वही जो कानून है, वही जो नियम है, वो एक कानून के तौर पर हमारे देश में आ रहा है, उससे मुझे असुविधा है। विश्वजीत जी, आपका लेख में आप ये भी विरोध किया कि सचमुच ये जो MSP है, जो न्यूनतम जो साझा मूल्य है, ये सरकार कानून में लिखित रूप में नहीं। फिर बाद में हमारे जो कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी, उन्होंने बोला आप चिंता मत कीजिए, हम लिखित रूप में आपको देने के लिए तैयार है। और ये जो MSP का बात जब आप करते हैं, जो ये न्यूनतम साझा मूल्य की बात करते हैं, आप जानते हैं, हम सब जानते हैं, ज्यादा से ज्यादा हमारे देश के किसान का फायदा नहीं होता। ये सिर्फ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और कुछ कुछ जगह में, इस जगह में जहां पे चावल और गेहूं खरीदते हैं फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इनको फायदा मिल रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा जगह में भारतवर्ष में, हाँ, अलग अलग जगह में थोड़ा बहुत फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया खाद्यान्न खरीदते हैं। आज फूड कॉरपोरेशन का गोदाम में हमारे जितना चावल और गेहूं का जरूरत है उसका 3 गुना से भी ज्यादा है, 4 गुना चला गया, समझ लीजिए। तो आपका कहना है कि हमारे देश का जो PDS है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जो 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 सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, हमारे देश का जो जो आपका जो फूड सिक्योरिटी एक्ट है, जो खाद्य जो जो राष्ट्रीय जो जो खाद्य खाद्यान्न खाद्य सुरक्षा के लिए जो कानून है, ये कमजोर हो जाएगा। जिस तरह से लागू हो रहे ठीक तरह से नहीं लागू हो रहे। और आप तो कह रहे हैं सरकार जैसे कह रहे हो, सच्चाई और कुछ है। हमारे देश में अभी भी लोग भूखे रहते हैं, अभी भी बहुत सारे परिवार, बहुत सारे बच्चे उनका पोषण ठीक तरह से नहीं हो जाए, अंडर नरिश्ड। तो आपने विदेश से अलग अलग जैसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स और फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का स्टेट ऑफ फूड इनसिक्योरिटी, ये सारे रिपोर्ट के आपने उल्लेख किया, तो इस विषय के ऊपर भी आप थोड़ा बहुत कुछ कहिए। देखिए, पहली बात तो जो न्यूनतम मूल्य की बात है, न्यूनतम मूल्य अभी 22 क्रॉप्स पे दिया जाता है। सिर्फ ये नहीं कि फूड और वो क्या कहते हैं जो वीट और राइस, उसके ऊपर है 22। हाँ, न्यूनतम मूल्य जो है उसको 22 क्रॉप्स पर दिया जाता है। अब ये अलग बात है कि FCI का जो प्रोक्योरमेंट सिस्टम है वो सिमट के रह गया है इन्हीं क्षेत्रों में जिसकी आपने बात कहा कि उत्तरी क्षेत्रों के, और आपको पता है कि किसानों की दूसरे 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 क्षेत्रों के किसानों की क्या दुर्दशा है, क्या कितनी बेहाली है उनकी। तो मेरा तो ये मानना है कि FCI का जो सिस्टम है उसको और सुदृढ़ करके छोटे किसानों के पास भी जाना चाहिए। तो ये तो एक गवर्नेंस का फेलियर है कि जो आप किसानों के पास जा नहीं पा रहे हैं, और किसानों को जो 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 मझौलिए हैं वो उनको चूस रहे हैं, उनको उनका शोषण हो रहा है। तो ये तो एक है कि और अच्छी तरह से मिनिमम सपोर्ट प्राइस, सरकार वही कह रहे जो ठेकेदार है, हाँ, जो चोलिया है, जो इंटरमीडिएट है, उनसे तुम्हें मुक्ति मिलेगा। आपने बिल्कुल आपने मझौलियों को हटा के एक बड़ा व्यापारी ले आए, तो अब बड़ा व्यापारी या छोटे मझौली से कम शोषण करेगा या ज्यादा करेगा, ये भी सोचने वाली बात है। बड़ा जो है, बड़ा बड़ी तरह से सोचता है, और वही मैंने भी कहा पहले कि मल्टीनेशनल जो है, बड़े कंपनियां, वो सबसे ज्यादा शोषण करते हैं, सबसे ज्यादा शोषण वही करते हैं। और आप उन्हीं के तर्ज पर आप बड़े कंपनियों को ला रहे हैं जो ज्यादा शोषण करेंगे। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि MSP का क्या फायदा होता है, जो फूड स्टॉक्स है उसको हम, जो खाद्य वितरण प्रणाली है, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है सरकार का, उससे हम लोगों के पास सस्ता खाना पहुंचाते हैं, जो अन्न पहुंचाते हैं। और अभी 2013 में जो कानून बनी थी, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, उसके चलते देश में
दो तिहाई लोगों के पास ये सस्ते जो है ना अन्न पहुंचने चाहिए। अब तो मैंने यही कहा कि अभी अगर आप कुछ सालों के आप आंकड़े देखें बजट में, जितना फूड सिक्योरिटी के लिए सरकार ने खर्चे हैं वो जो है वो घटा है। इसका मतलब यही है कि जितना देना चाहिए था, जितने लोगों के पास खाना पहुंचना चाहिए था वो पहुंचा नहीं है, ये एक बात है। और दूसरी बात ये है कि सरकार का ये भी मानना है कि हम जो है इतना हमारे पास खाद्यान्न जमा हो गया है कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के स्टॉक जो गोदाम है वो भरे पड़े हैं, वहां से हमें निर्यात करना पड़ेगा। एक जो नीति आयोग के एक सदस्य है उन्होंने एक लेख में लिखा है, हाल के लेख में लिखा है कि भारत में जितना अभी स्टॉक हो गया है इसका, इतना ज्यादा हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, दो तीन साल में हमारे जो पूरा फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन है उसका 20 से 25% जो है हमें निर्यात करना पड़ेगा। मतलब मुझे ये बहुत सुन के ताज्जुब होता है कि जिस देश में विश्व के सबसे ज्यादा कुपोषित और भूखे लोग हैं यहाँ पर, उस देश से आप कह रहे हैं कि आप जो है खाद्यान्न निर्यात करेंगे। और एक एक बात मैं और भी कहूँ, आपने कहा ग्लोबल हंगर इंडेक्स और एफएओ ने तो हर साल ये कहा है कि भारत की क्या हालत है। और दूसरा मैं ये भी बता दूं कि हम चीन के साथ अपना तुलना करने में बहुत हमें अच्छा लगता है। तो भारत और चीन की अगर आप तुलना करें तो आप देखेंगे कि चीन का जो खाद्यान्न का उत्पादन है वो 600 मिलियन टन से ज्यादा है, और चीन उसके बावजूद खाद्यान्न आयात करता है। तो भारत और चीन की जो अभी जनसंख्या है वो लगभग बराबर होने लगा है, ज्यादा ज्यादा हमारे में फर्क नहीं है। तो आप सीधे तौर पर समझ सकते हैं कि एक एवरेज चाइना का जो निवासी है वो एवरेज इंडिया के निवासी से कितना ज्यादा उसको खाद्यान्न उपलब्ध है, और वो उपलब्ध है पर उसके पास पहुंच नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पर कई तरह की समस्या है। और हम लोग बोल चुके हैं, बोल के मतलब कई दशकों से बोल रहे हैं, हम सिर्फ इस सरकार को वो नहीं कर रहे हैं कि उत्तरदायी नहीं कर रहे हैं, पहले से भी हुआ है कि लोगों के पास खाना खरीदने का पैसा नहीं है, रोजगार नहीं है, तो एक बड़ा प्रश्न के साथ जुड़ जाता है ये। तो इसीलिए सरकार का ये जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बहुत जरूरी है, और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तभी मैनेज होगा अच्छी तरह से जब सरकार प्रोक्योर करेगी सीधे किसानों से। अच्छा विश्वजीत जी, अभी हमारा वक्त कम है, मेरा आखिरी सवाल आपसे है, देखिए अब एक जगह में पहुंच गया है जो हमारे जो किसान भाइयों बहनों जो सड़क में बैठे हुआ है ये एकदम सर्दी का मौसम में, और सरकार कह रहे हैं हम कानून रद्द नहीं करेंगे, और हमारे जो आंदोलन कर रहे किसान भाइयों बहनों कह रहे जब तक तुम कानून रद्द करने के लिए तैयार नहीं हो हम बात नहीं करेंगे, तो एक जगह बातचीत बंद हो गया, अटक गया, सुप्रीम कोर्ट कुछ कह रहे हैं, बाकी लोग कुछ कह रहे हैं, लोगों कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं यहाँ इन लोग देशद्रोही है, इन लोग खालिस्तानी है, ये चरम वामपंथी है, मगर एक जगह में सब कुछ ये जो न्यूनतम जो साझा मूल्य है, MSP है, कानून है, बारीकी से लोग इस विषय के ऊपर बात नहीं कर पा रहे। पूरा 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 जो 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 मुद्दा है एक राजनीतिक, सरकार कह रहे ये कुछ पंजाब हरियाणा का किसान के इनका आंदोलन है, बाकी लोग कह रहे नहीं नहीं इसमें राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, बहुत सारे राज्य है भारतवर्ष के हर जगह से दो चार लोग नहीं कुछ लोग तो आए हैं, मगर ये जो एक राजनीतिक जगह में ये पूरा जो मुद्दा है, ये पूरा जो विवाद है एक राजनीतिक हो गया, तो आप क्या लग रहे हैं आगे हम लोग कैसे जाएंगे? देखिए ये विवाद का समाधान आप देख रहे आने वाले दिनों में, आने वाले हफ्तों में? नहीं, पहली बात तो ये है कि हम कई लोगों ने बोला है कि इन कानूनों में पारदर्शिता नहीं थी, ये बहुत जल्दी में एक ऐसे समय में जब पार्लियामेंट ठीक तरह से बैठ भी नहीं पा रहा था
और बाकी आलोचना भी होने की जो समय या सुविधा नहीं थी उस मौके पर, इसको पैंडेमिक टाइम्स में इस कोविड के दौर पर एक तरह से धकेल दिया गया। तो एक एक पारदर्शिता की बात जो है वो सबसे ऊपर आती है। दूसरी बात ये है कि मैं तो यही एक निवेदन करूंगा कि जो आंदोलन कर रहे हैं और जो हमारे साथी इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, और दूसरी चीज एक एक, एक बड़ी बड़ा मुद्दा ये है कि ये पंजाब हरियाणा राजस्थान का और उत्तर प्रदेश का मुद्दा नहीं है। अब अगर देखेंगे दक्षिण भारत में कई कृषि संगठन जो है वो वहां पर कर रहे हैं, अपने प्रदर्शन कर रहे हैं। अब बड़े आसानी से दिल्ली में आ नहीं सकते हैं, अब ट्रेन की सहूलियतें नहीं है, वो नहीं है, सब कुछ समस्या है, तो आ नहीं पा रहे हैं। तो ये बात तो तय है कि ये एक पूरे भारतवर्ष का किसान जो है वो उससे परेशान है। और मेरा ये कहना है कि सरकार जो है किसानों, ये जो मुद्दे मैंने रखे कि पहले से बता दें कि बड़ा और छोटे में किस तरह से एक साझा होगा, किस तरह से ये जो सब कंडीशंस डाले हैं इन्होंने, इन कंडीशन से कैसे किसानों का भला होगा, ये पूरी तरह से समझा दे हमें, हम यही चाहते हैं, उसके बाद फिर अगला कदम ले सकते हैं। विश्वजीत जी, अध्यापक जी, अर्थशास्त्री जी, धन्यवाद आपका समय आपने दिया न्यूज क्लिक का दर्शक को। और ये जो तीन जो विवादित जो कृषि क्षेत्र के लिए जो नया कानून लाया सरकार, आपने इस विषय के ऊपर बारीकी से विश्लेषण किया, इसके लिए मैं दोबारा आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आप सबको, न्यूज क्लिक का सारे दर्शक को हम ये कहना चाहते हैं कि आप देखते रहिए न्यूज क्लिक। We'll be right back.